ये देखो बादामी अखरोट, मैंने तो कभी खाया नहीं और पेड़ भी मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये क्या बताया भाई, कैसी परंठियाँ सुबह की बनाई हैं भाई। शायद अज्जल दब्बड़ होगा, हमें पता नहीं है। क्लियर की क्या नाम है? अच्छी है। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? मैं बिल्कुल बढ़िया और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होना चाहिए। तो दोस्तों अभी आज हम कहाँ पर जा रहे हैं? फिलहाल तो भाई अपना साथी संकित राजपूत जो है वो हमारे साथ है। और आज हम कहाँ पर जा रहे हैं भाई? अंडरू जा रहे हैं। हम एक माता का मंदिर है ऊपर, और वहाँ पर शायद उस जगह का नाम कंडरू कुछ ऐसा ऐसा नाम है। हमें एक दो लोग जो है वो मिले भी रास्ते में, हमने उनको पूछा कि जगह का क्या नाम है, तो उनको भी क्लियर पता नहीं था कि कंडरू है कि कंडू है कुछ ऐसा। फिलहाल हमने जो रास्ता चुना है वो है जी बसनोत से ऊपर। और हालांकि हमें बाद में किसी ने बताया कि अगर आप गोरी मिट्टी से जाते तो आपको अच्छा जो है वो मतलब रास्ता भी रहता और साथ में जल्दी पहुंच जाते। एरिया है उसको एक्सप्लोर करेंगे, तो तभी हमने सोचा कि चलो बसनोत से ऊपर चलते हैं। यहाँ पर हमने बाइक लगा दी आज और यहाँ से ऊपर चलेंगे हम। देखो फिर यहाँ से ऊपर कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्टेंस होगा? डिस्टेंस होगा 15-20 तो आज भी होगा, है ना। चलो फिर चलते हैं। फिर आज हमारा यहाँ से शुरू हो गया भाई पैदल मार्च। अच्छा देव रहा तो हमें नीचे भाई अपने साथी दोस्त मिले हरभजन सिंह जिनका नाम था। एक जगह पे पहुंचे हैं, इस जगह का नाम है गली गली बोलते हैं, जो मोंगरी से ऊपर है। और ये हमारे एक सर हुआ करते थे जिनका नाम था धनीराम सर। और उन्होंने, हमने सिर्फ सुना था कि उन्होंने यहाँ पर जो है वो बहुत सारे खेत बनाए हैं और बहुत सारे मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे जो है वो लगाए हैं। तो आज हम लाइव देख रहे हैं भाई, यहाँ पर देखो ये सेबों के सेब हो गए, अखरोट हो गए और बहुत सारे शहतूत हो गए। और ये देखो मूलियाँ वगैरह जो है वो लगाई हैं, वो आई थिंक सेब है ना, सेब हैं। और आड़ू हो गए। यहाँ से ऊपर हम आपको दिखाएंगे भाई, यार कसम से मैंने सोचा नहीं था कि मतलब हमारे गांव में भी कोई इतनी ज़्यादा मतलब मेहनत करता होगा। बाकी ये देखो जी, ये जहाँ पर उन्होंने ये एक बोर्ड लगाया है, शिव स्वामी फ्रूट प्लांट्स नर्सरी, ये भाई ये मतलब ये नर्सरी है ना। हाँ ये नर्सरी है यहाँ पर। और ये देखो साड़ियाँ और क्या क्या है यहाँ पर, बहुत सारे मतलब। यार सच में यार हम लोग मेहनत नहीं करते हैं ना, अगर मेहनत करें तो सब कुछ हो सकता है। और ये लाइव एग्जांपल यहाँ के सर हैं, यहाँ के धनीराम सर। और ये देखो भाई यहाँ पर कितनी ककड़ियाँ कितनी हैं, कुकुम्बर दिखे ककड़ी। ये देखो भाई यहाँ पर उन्होंने ककड़ियाँ लगाई हैं और कितने मतलब ये देखो पकी हुई हैं। ये देखो भाई यहाँ से आगे तक ये अखरोट का पूरा खेत है। और ये नर्सरी है पूरी, वो वाली भी अखरोट की है, ये वाली भी। और ये हो गए सेब, हो गए सेब वगैरह उन्होंने लगाए हैं। हमें जगह दिखी तो हमने सोचा कि क्यों ना हम वीडियो बना लें। यहाँ से नीचे देखो, यहाँ पर उन्होंने ये नीचे दाल वगैरह लगाई है और इस साइड भी उन्होंने दाल लगाई है। और आगे जितने भी खेत हैं ना, पूरे के पूरे अखरोट, अखरोटों के पेड़ जो है वो उन्होंने लगाए हैं भाई।
और ये देखो भाई हीरे कितने और कितनी बड़ी बड़ी भाई कितने बड़े बड़े हीरे हैं। ये देखो मैं आपको बीच में से दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो भाई, ये इतने बड़े बड़े हीरे उन्होंने यहाँ पर लगाए हैं। और ये कितने ही हीरे हैं यहाँ पर, वाह यार, आगे तक हम देखें ना जहाँ तक हमारी नज़र पहुँचती। यहाँ से ऊपर जाना है हमने कि आगे ऊपर जाना है? तो भाइयों कसम से इतना हमने सोचा नहीं था, हमने सुना था बड़ी बार कि सर ने जो है वो यहाँ पर, ये देखो वालनट सीडलिंग स्टॉक, नर्सरी ओनर श्री धनी राम। ये धनी राम सर जो कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस समय वो वहाँ पर पढ़ाते थे और उन्होंने ये नर्सरी जो है वो बनाई है। ये देखो जी, ये मतलब इतनी ख़तरनाक यार हम बोल नहीं सकते। ये यहाँ पर एक मंदिर बनाया है, यहाँ से जाएंगे हम? ये मंदिर के लिए रास्ता तो नहीं होगा हैं? ये वाला रास्ता होगा आगे शायद, या मंदिर से ऊपर भी? हाँ मंदिर से ऊपर भी है। बाकी ये देखो जी, ये उन्होंने एक मंदिर भी बनाया है, कुल देवी माँ है ये माता का मंदिर। और ये देखो भाई नीचे इतनी उन्होंने मतलब कसम से यार इतनी मेहनत। और ये देखो ये सारे पेड़ हैं, ये कुछ सूख भी गए हैं है ना, कुछ सूख गए हैं, ऐसे लगता है कि सूख गए हैं, लेकिन हम लगाते हैं ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम लगाते हैं तो हम ऐसे एक दो पेड़ लगाएंगे सूख जाएगा, हम बोलेंगे हाँ क्या करने लगा के सूख जाएगा। भाई सर से हमें चीज़ें सीखनी चाहिए, उन्होंने यहाँ पर जो चीज़ें लगाई हैं ना, एक बार मैं आपको यहाँ से कुछ शॉट्स दिखाना चाहूँगा, ड्रोन शॉट्स। कौन सा अखरोट? ये वाला। ये भी अखरोट है? ये कौन सा वाला अखरोट है? अच्छा बादामी अखरोट है ये, आपने खाया है? खाया है। ये देखो बादामी अखरोट, मैंने तो कभी खाया नहीं और पेड़ भी मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ये बादामी अखरोट। सच में यार जबरदस्त, जगह जगह पर आपको यहाँ पर बोर्ड लगे दिखेंगे जो कि मेंशन करते हैं कि कौन से वाले खेत में जो है वो कौन से वाले प्लांट्स जो है वो लगाए हैं उन्होंने। और बहुत सारे हम वो बता नहीं सकते आपको कि कितने पेड़ लगाए होंगे, मुझे लगता जितने भी उनके गांव, मुझे लगता जितने भी उनके जो खेत है ना, जितनी ज़मीन है ना, पूरी ज़मीन घेर ली है उन्होंने, पूरी ज़मीन में उन्होंने पेड़ ही पेड़ लगाए हैं भाई। भाई यहाँ से हमें कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए और सीखेंगे भी, हम भी अपने खेतों में जो है वो पेड़ लगाने की कोशिश करेंगे, और इतने तो नहीं लगा पाएंगे ये तो हमें पता है भाई, ये इम्पॉसिबल है हमारे लिए है ना, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ज़रूर थोड़े लगाएंगे क्योंकि ये सर हमारे लिए एक लाइव एग्जांपल है। तो भाई यो फाइनली हम यहाँ पर पहुँचे हैं भाई, इस लोकेशन पे। अब यहाँ पे कौन से मंदिर हैं हमें पता नहीं है भाई इन मंदिरों का, और बाकी अब यहाँ से ऊपर यार हमें पता नहीं चल रहा है। और एक दो बंदा हमें दिखा, उनको पूछा कि कहाँ पे जाना है, एक साइड से बोलते हैं दूसरी साइड जाओ, दूसरी साइड से बोलते हैं दूसरी साइड जाओ, है ना, कोई पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे जाना है। तो यहाँ तक तो हम पहुँच आए, लेकिन यहाँ से ऊपर हमें पता नहीं है कि कितने दूर है, या क्या पता यही तो नहीं है, क्या पता ये यही हो। यहाँ पे एक तालाब है, अब मुझे तो भाई बताना हमको कि ये कांडरू है या अज्जल है ना, हमें पता नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ से नीचे देखना हो तो अज्जल है। अब हमें ये भी नहीं पता कि अज्जल दब्बड़ एक जगह को बोलते हैं, वो कहाँ पे है, कि क्या यही है कि वो दूसरी है। तो भाई चलो ठीक है, जहाँ तक पहुँचाए तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बाकी हम अब मुझे लगता है यहाँ से वापिस जाना है ना, वापस यहाँ से ऊपर। यार नीचे से हमें दो तीन बंदे दिखे, हमने उनको पूछा, किसी को पूछते हैं तो कोई उस साइड रास्ता दिखाता है, कोई उस साइड दिखाता है, तो वहां से यार कोई मजा नहीं आ रहा है ना। अब मजा वापस जाते ही आएगा, अब हम यहाँ से वापस चला जाएंगे। और फिलहाल भाई यहाँ की लोकेशन कुछ ऐसी है, चलें फिर चलो। तो भाई ये कुछ लोकेशन है, यहाँ पर कुछ मंदिर बना है, हमें भी पता नहीं है कि कौन से वाले मंदिर है, लेकिन चलो यहाँ तक पहुँचाए तो यही हमारे लिए बड़ी बात है। बाकी एक और इस साइड जो है वो अज्जल है, हमने बसनोत में हमने बाइक्स वगैरह लगाई थी और वहाँ से हम ऊपर आए थे,
और यहाँ पर किसी ने ये अपने प्लांटेशन किया, यहाँ पर अखरोट के पेड़ लगाए हैं और बाकी ये चील के पेड़, चील हो गई, कचीड़ जो भी बोलते हैं हम, पाइन ट्री कौन से बोलते हैं हम, पाइन थोड़ी है ये, नहीं है पाइन, ये कोई दूसरे ही हैं। तो ठीक है भाइयों, अब हम यहाँ से वापस चलते हैं और चलो दूसरी बार आएंगे, अगर क्या पता यही हो मंदिर, क्या पता कौन सा, क्या पता क्या, अगर आपको क्या पता है भाई कि ये वाला मंदिर कौन सा वाला है तो बताना भाई कमेंट बॉक्स में, हमें ये भी नहीं पता कि कौन सा था वो, कंडरू कंडरू वाली माता, पता नहीं कुछ ऐसा था, है ना। बाकी भाई अब क्या ही बताएं हम, इतने मतलब इस रास्ते में इतने खज्जल हुए ना हम कि मतलब बता नहीं सकते, है ना, पूरे खज्जल हो गए हम, पूरे के पूरे खज्जल हो गए हम, हो गए खज्जल। बाकी देखो यार यहाँ पर एक, यहाँ पर देखो कुछ रैपर यहाँ पर जो है वो मतलब नीचे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, अब इससे हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई दुकान होगी या क्या चक्कर होगा, कुछ तो है मतलब, पता नहीं इसका कोई आइडिया, या कोई पिकनिक आई होगी यहाँ पर, क्या सीन, मे बी पिकनिक आई हो, है ना, क्या पता यार, कोई पता नहीं चल रहा है हमें।